मैं ना आज ही उससे फोन पे बात करूंगी। सुनिए, मैंने ना सोच लिया कि मैं आज ही गीता से फोन पर बात करूंगी और उसे कहूंगी कि अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दे। अपनी बेटी को विदा करना है ताकि वो हमारे घर की बींदड़ी बनकर जल्द से जल्द आ सके। बारात लेकर जल्दी से चलना है हमें। अब आप फोन दो, मैं फोन पे बात कर। मैं देवेंदर से बात कर लूं। तो फिर अभी बात कर। अच्छा, हां अभी करता हूं बस। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा हूँ फोन। देख बेटा, हमें इसे आराम से सोच समझ कर अकेले में बताना पड़ेगा, मौका देख के। कभी इस घर की बिंदड़ी दृष्टि नहीं, बुलबुल। फिर से घंटी की आवाज। शिवानी चीची को आज क्या हो गया? इतने जोरों से क्यों घंटी बजा रही? अगर वो अभी तक घंटी बजा रही है, इसका मतलब भाई जी पहुंचे ही नहीं है वहां पे। अब मैं क्या करूं? हमारे को ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो सॉरी पापा साहब। वानी जीजी, अरे यहाँ तो ताला है। जीजी, आपको कुछ चाहिए था? अरे ये खिड़की के पास क्यों जा रहे हैं? वानी जीजी, जीजी रुकिए। जीजी उधर मत जाइए। जीजी ये तो बाहर चली गई। अब मैं क्या करूं? दृष्टि को ही बनाना है मुझे इस घर की बहू। दृष्टि पढ़ी लिखी है, समझदार है, सयानी है, उम्र भी छोटी नहीं है उसकी। वो ही बनेगी इस घर की बहू। बहू में तीन गुण होने बहुत जरूरी है, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। और दृष्टि में वो सारे गुण हैं। उसे ही बनाऊंगी मैं इस घर की बहू।